अच्छा, इतना दिन से आप ड्रीम इलेवन पे टीम बना रहे हो, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ये ड्रीम इलेवन के अंदर में जो भी विनर होता है ना, उस टीम के अंदर में ये डॉट वाला प्लेयर जो है वो आ जाता है, जिसके बगल में ब्लू डॉट लगा हुआ है। तो ये ब्लू डॉट क्या है और ये कैसे लगता है ब्लू डॉट, इस ब्लू डॉट का मतलब क्या है, आज की ये वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। देखो फ्रेंड्स, हम सब जो है वो लंबे टाइम से जो है वो ड्रीम इलेवन पे टीम बना रहे हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता चलता है कि भाई जो प्लेयर नहीं खेल रहा है वो भी प्लेयर बंदे लोग चुन लेते हैं, आखिर कैसे, और ये ब्लू डॉट इसमें क्यों आ रहा है, क्या ब्लू डॉट आने से हम एक नंबर पे आ सकते हैं ड्रीम इलेवन में, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको यही पे बता देता हूँ, ब्लू डॉट जो है वो दोस्त होता क्या है, ब्लू डॉट इम्पैक्ट प्लेयर का साइन होता है। जो प्लेयर इम्पैक्ट के तौर पर खेले, सब्स्टिट्यूट के तौर पर खेले, उसको डिनोट करने के लिए हम सब जो है ब्लू डॉट का इस्तेमाल करते हैं। ड्रीम इलेवन में भी कुछ ऐसा ही अपडेट है, जो प्लेयर इम्पैक्ट है उसके बगल में डॉट लगा देगा ब्लू कलर का, ताकि इससे हमें पता चल सके कि ये प्लेयर सब्स्टिट्यूट में खेल रहा है। तो ये ब्लू डॉट क्यों लगता है ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे कोई प्लेयर आउट हो गया है, गेम से बाहर चला गया, और कोई प्लेयर इम्पैक्ट के तौर पर आया, तो उसमें ब्लू डॉट दिखा दिया जाएगा, ताकि हम उसे पहचान सके कि ये प्लेयर जो है वो सब्स्टिट्यूट में खेला है, तो ब्लू डॉट इसलिए लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ब्लू डॉट क्यों लगता है और क्या होता है। अब हम आपको ये बताते हैं कि ब्लू डॉट आपके टीम में कैसे लगेगा। अब देखो, हम सब जो है वो सब्स्टिट्यूट प्लेयर को सिलेक्ट ही नहीं करते हैं, जब भी ड्रीम इलेवन पर टीम बनाते हैं तो हम सब जो भी लाइनअप में अनाउंस होते हैं प्लेयर, वो सबको चुन लेते हैं, बाकी सब्स्टिट्यूट प्लेयर में जो प्लेयर रहते हैं उनको हम सब नहीं चुन पाते हैं। जिसके कारण होता क्या है कि हमारे टीम में डॉट प्लेयर एक भी नहीं आता है, क्योंकि हमारा प्लेयर इम्पैक्ट वाला कोई है ही नहीं। तो हमें करना क्या होता है, कुछ ऐसे प्लेयर को चुनना होता है इम्पैक्ट के तौर पर, जो प्लेयर गेम के बाद खेलने आ सके। जैसे कि मान लो सूर्य कुमार यादव में ही आपने इसमें देखा होगा, इसमें मुंबई इंडियंस ने जो है वो फील्डिंग किया था, और सूर्य कुमार यादव से फील्डिंग नहीं करवाया, वो बैठा दिया पवेलियन में उसे, और जब बाद में बैटिंग का जरूरत पड़ा तो सूर्य कुमार यादव को उन्होंने बुला लिया। तो जो भी बंदे थोड़ा भी स्किल यूज किए होंगे वो सूर्य कुमार यादव को चुन के रखा होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि सूर्य कुमार यादव आएंगे, खेलेंगे और अच्छे पॉइंट दे के जाएंगे। तो उन्होंने सब्स्टिट्यूट प्लेयर में सूर्य कुमार यादव को चुन के रखा था, इसलिए उसमें डॉट भी आ गया। तो आपको भी टीम में डॉट लाना है और ये सब्स्टिट्यूट प्लेयर को सिलेक्ट करना होगा। सब्स्टिट्यूट प्लेयर सिलेक्ट करने के लिए आपके ऊपर रिस्क है। देखो, कोई प्लेयर होता क्या है कि सब्स्टिट्यूट में जाने के बाद वो खेलता भी नहीं है, और वो प्लेयर जब नहीं खेलेगा तो आपका ड्रीम इलेवन का टीम जो है वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो प्लेयर पॉइंट ही नहीं देगा, जब खेलेगा ही नहीं तो पॉइंट कैसे मिलेगा। तो ड्रीम इलेवन के अंदर में सब्स्टिट्यूट प्लेयर आप चुनोगे तो ध्यान से चुनना कि कौन प्लेयर खेलेगा, अपने स्किल के ऊपर जाना, अपना दिमाग से सोचना कि कौन प्लेयर खेल सकता है आज सब्स्टिट्यूट के तौर पर, तो उसे आप चुन लेना, तब जाकर के आपका भी वो ब्लू डॉट जो है वो उस प्लेयर के अंदर में लग जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि ये ब्लू डॉट क्या होता है ड्रीम इलेवन के अंदर में, और मैंने कोई भी नया अपडेट ड्रीम इलेवन का आया ना उसका वीडियो आपको दिया हूं। तो प्लीज, अगर आप ड्रीम इलेवन खेलते हो और ड्रीम इलेवन का कोई भी नया अपडेट आप जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो फिलहाल इस वीडियो को यहां पे एंड करते हैं, मिलता है अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।